हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और उसी के बीच आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम केवल एक ही टॉपिक करने वाले हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके लिए हर रोज कंटेंट आता रहे और ये आप भी चाह लो थोड़ा बहुत कि हम भी पढ़ते रहें। पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला भैया। तो हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी बेहद आसान है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग करने वाला जो पॉइंट है जो आज तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, तो करके हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, आपको उसको पढ़ना है, आपको समझना है। समझोगे तो रटने वाली बात नहीं है, नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या रट पाते हैं, ABCD इनकी रैंकिंग रट रखी, वैसे रटना पड़ेगा। लेकिन रटना नहीं है, मैंने आपको रटाया नहीं कुछ भी, ये भी नहीं रटने को बोलूंगा। चलो देखते हैं क्या है। देखो थोड़े दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स पढ़ाया था, जिसमें मान लो मैंने कह दिया कि फियर को मैंने लिखा है REF, रीफ, अरेफ, या जो भी ये लिखा हुआ है मैंने इस तरह लिखा। इसमें मैंने क्या किया बेटा, रिप्लेसमेंट किया था, यानी इनके लेटर्स को, यही लेटर थे, यही वर्ण थे, यानी इस शब्द के जो वर्ण थे वो यही थे, इसी की जगह बदल दी मैंने। इसे रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स कहा था, वर्णों को हमने बदल कर लिखा था, क्रम बदल कर लिखा था। अभी आपको देखने को मिल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी हम रिप्लेस करेंगे एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ। बेहद आसान टॉपिक है और बेहद आसान इसके आंसर होने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना जो ये चलायमान मन है इसको काबू करना है, कंट्रोल करना है। जैसे सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, आपके सामने है एयर इज वाटर, ऐसे नहीं आएगा, आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आएगा एयर इज कोल्ड वाटर, यानी एक पूरी डेफिनेशन लिखी आएगी, पूरा एक पैराग्राफ लिखा आएगा क्वेश्चन का, उसके अंदर से आपको उसको इस तरह से छांट कर यानी समझ कर कि किसको क्या कहा गया, किसको क्या कहा गया, ऐसा लिखना है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इस तरह लिखना है, ठीक है? यानी सिंपल सा इन शॉर्ट आपको ये पता लग जाएगा कि एयर को वाटर कहते हैं, वाटर को फायर कहते हैं, फायर को सन कहते हैं, सन को स्टार कहते हैं, स्टार को स्काई कहते हैं, स्काई को अर्थ कहते हैं। यानी जहां पर भी पूछ ले स्काई क्या है, तो आपको ये नहीं कहना कि स्काई स्काई है, स्काई क्या है, अर्थ है। या कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से ब्लू क्या है, तो इसमें सर ब्लू क्या हो सकता है, सर वाटर हो सकता है, स्काई हो सकता है, ये चलो कंफ्यूजिंग हो गया। या फिर हम पूछ ले कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर स्काई? नहीं बेटा, अब वो आपका आंसर गलत हो गया। जो बर्ड्स है वो कहाँ फ्लाई करते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं बेटा? उड़ते तो स्काई है, बादल ही है, लेकिन बादल को क्या कहते हैं, अर्थ। इस तरह से आपको समझना है। क्वेश्चन आपके नीचे दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर डज द फिश लिव, यानी जो मछली है वो कहाँ रहती है, एयर, हवा में, पानी में, फायर, आग में, सन? सर सर एक बच्चा बोल रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाओ। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में नहीं आने वाला, हो सकता है इसकी लैंग्वेज हिंदी में हो, यानी एयर को वो एयर लिख दे, हो सकता है हवा लिख दे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये आपको कैसे मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है? कोई कई जगह कैसे, ये तो केवल क्या है, मीनिंग है इनके, कई कई जगह क्या हो सकते हैं, देश के नाम भी हो सकते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश से ना जूझे, जो है उसको देखें। क्वेश्चन का आंसर होने वाला था वाटर, आपने सारे बच्चों ने कमेंट किया, सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किया सर वाटर है। देखो वाटर नहीं है, वाटर को क्या कहते हैं, फायर। तो इसका आंसर क्या है, वाटर गलत है, आंसर क्या है इसका दोस्तों, फायर। आगे बात समझ में, आई होप ये टाइप आपके समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जकार्ता को दिल्ली कहते हैं, दिल्ली को जापान, जापान डेनमार्क, डेनमार्क रशिया, रशिया कोपेनगन, कोपेनगन बांग्लादेश, कैपिटल ऑफ डेनमार्क। अब बेटा यहाँ पे समस्या इतनी सी आ गई कि आप ये क्वेश्चन केवल तभी गलत कर सकते हैं दोस्तों कि जब आपको जीके नहीं आता, यानी ये कैपिटल कंट्रीज याद नहीं है, तब जाके आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जीके में भी अपना हाथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ऐसे उसको भी बाईपास करके मत चलो,
अब आपको मालूम होगा अगर डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनगेन है, तो आप कोपेनगेन लिख दो, क्या लिख दोगे, कोपेनगेन। और फिर यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम गलत, क्योंकि कोपेनगेन को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, ना कि कोपेनगेन। तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। आई होप आपको ये सारे टाइप जो मैं करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से, पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और स्टार्ट कर दो, शुरू से देखना। सारे टाइप हम कवर कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे अभी तक, केवल हम टाइप को समझ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं, और कंप्लीट टाइप, किसी भी एग्जाम को टारगेट करके नहीं है। बैंकिंग वालों के लिए भी इसमें हो सकता है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अब मैंने आपको टाइप समझा दिया, अब जो लैंग्वेज रहने वाली है पूरे क्वेश्चन की वो मैं आपको बता रहा हूँ। जगह थोड़ी कम थी तो केवल मैंने इंग्लिश को लेके चला है, जो कंफ्यूजन आ सकती थी दो वो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ी सी कोशिश करना कि समझ में आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कि एक तो होगा एयर इज कोल्ड सन, सन इज कोल्ड स्टार, स्टार इज कोल्ड वाटर, आई बात समझ, स्टार इज कोल्ड वाटर। तो यहां पे आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एक, लेकिन अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि लैंग्वेज क्या है। इसने पहले लैंग्वेज में लिखा इज कोल्ड, दूसरे में ध्यान से देखो तो यहां पे इसने इज कोल्ड यूज ना करके मीन्स यूज किया है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आ जाए तो इन दोनों में बेटा फर्क है, जो फर्क मैं आपको समझाना चाहूंगा वो अभी यहां है। क्वेश्चन आपसे अगर वो पूछ ले कि भाई क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले कि हाँ वही सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा क्वेश्चन, वेयर डज द फिश लिव, सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है, क्या आंसर भी चेंज होंगे। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे कमेंट करें, सभी मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या दोनों क्वेश्चन में, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन टू है, ये वन है और ये टू है, मैंने इसके कलर को अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, ये मैंने पूरी लैंग्वेज ऊपर लिखी है, नीचे ये है क्वेश्चन, ये बन गया आपका कि वेयर डज द फिश लिव, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए कि मछली कहाँ रहती है। और मैं आपको बता दूं, हवा को सूर्य कहते हैं, सूर्य को तारा कहते हैं, तारे को पानी कहते हैं, पानी को आग कहते हैं, और ये इधर इसका मीनिंग बदल गया। इसका मीनिंग कैसे बदला, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है हवा को सूर्य कहते हैं, हवा को सूर्य कहते हैं, यहां पे है हवा का मतलब या हवा का अर्थ सूर्य है, यानी हवा का अर्थ सूर्य है। अब आप थोड़ा सा नीचे आए और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करता हूं, जैसे कि सर इसमें एक जैसा ही लग रहा है, लग रहा है एक जैसा। अब देखो दोनों के क्वेश्चन अगर मैं आंसर पूछूं तो इसका जो आंसर होगा, वाटर इज कोल्ड फायर और वाटर मीन्स फायर, तो समझो अगर वाटर का मतलब पूछे तो फायर है, और वाटर को क्या कहते हैं, वाटर को फायर कहते हैं। थोड़ा सा फर्क, फर्क क्या है, इसमें आंसर आएगा फायर, यानी अगर हम इससे पूछें कि ये आंसर क्या है, तो ये बोलेगा सर फायर, यानी मछली कहाँ रहती है, आग में, यानी इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो इनसेंसिबल बात है, ये कैसे हो सकता है, नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हैं। और यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ आंसर आएगा स्टार। अब कंफ्यूज क्या नहीं होना कि यहाँ पे इसका, इसको स्टार को वाटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या है, स्टार है, स्टार मीन्स वाटर, स्टार का मतलब है पानी, स्टार का मतलब पानी, तो पानी क्या है, स्टार, पानी क्या है, स्टार। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी, यानी जब मीन्स आ जाए तो पीछे वाला लेके चलना है, और कोल्ड आ जाए तो आगे वाले को हम कंसिडर करेंगे। आई होप आपकी ये बात क्लियर हुई होगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अलविदा कहना चाहूंगा, धन्यवाद दोस्तों।